फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन एक्स माइनस टू बाय फोर इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाय थ्री एंड जेड प्लस वन बाय माइनस टू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 11। नाउ तो सबसे पहले अगर मैं पहली क्या बोलते हैं कौन सी क्या बोलते हैं लाइन कंसिडर करूं, तो सबसे पहले मैं एक लाइन की इक्वेशन गिवन है वो है एक्स माइनस टू बाय फोर इज इक्वल टू y माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन माइनस टू। तो अब अगर मैं देखू तो ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन ये क्या है, किस पॉइंट से पास करती है, तो ये लाइन एक पॉइंट से पास करती है, लेट्स उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ वो क्या है टू कॉमा वन कॉमा माइनस वन से पास करती है। और ये हम पॉइंट कैसे निकाला, हमने एक्स माइनस टू को जीरो करके, वाई माइनस वन को जीरो करके एंड जेड प्लस वन को जीरो करके। और ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, तो लेट से उस वेक्टर को मैं बोलता हूँ लेट से क्या है, कुछ ए वेक्टर है ठीक है, तो वो है फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप, ये ए वेक्टर है जिसकी पैरेलल है। अब सिमिलरली हमें गिवन है कि एक प्लेन है जो इस गिवन मतलब जो प्लेन के गिवन हमें जो इक्वेशन चाहिए उसके परपेंडिकुलर है, और वो प्लेन की इक्वेशन क्या है, लेट से उसमें बोलता हूँ पी वन है, वो उसकी इक्वेशन है टू एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 11। नाउ अभी जो प्लेन है किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसकी इक्वेशन होगी एन वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। ये हमें कैसे पता चला, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, वाई का जो कोएफिशिएंट है और जेड का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होते हैं, नॉर्मल वेक्टर के क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। Now, अब अगर मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं फिगर से देखूं पहले एक बार, हमें गिवन है कि हमारे पास में एक प्लेन है ना, एक प्लेन है ऐसे ठीक है, उस प्लेन की हमें क्या है एक पॉइंट, हमें ये गिवन है कि लाइन उस प्लेन में, तो इट मींस पॉइंट ए और ए वेक्टर दोनों इसी प्लेन में होंगे ठीक है, तो पॉइंट ए लट से यहाँ पर है कहीं पे और ए वेक्टर भी यहीं पे कहीं पे होगा लट से, मुझे पता नहीं कहाँ पर है लट से, ए वेक्टर भी यहीं पे कहीं पे। अब एक दूसरा हमारे पास में क्या है, एक दूसरा हमारे पास में प्लेन है जो हमें गिवन है कि वो इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री इनडायरेक्टली, ऐसे जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, तो इट मींस जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल होगा ठीक है। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि नॉर्मल वेक्टर टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ पी वन, नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल वेक्टर ऑफ पी वन, पी वन इज परपेंडिकुलर टू पी टू, सॉरी इज पैरेलल टू पी टू हो जाएगा, सॉरी नॉर्मल वेक्टर ऑफ पी वन इज पैरेलल टू पी टू। तो पैरेलल के लिए अब क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो गए ठीक है, पैरेलल टू पी टू, पी टू क्या है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, तो इट मींस एन वेक्टर और ए वेक्टर दोनों क्या है पैरेलल हो जाएंगे। तो सिमिलरली नॉर्मल वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू पी टू, प्लेन पी टू हम कैसे लिख सकते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन पी टू क्या हो जाएगा, प्लेन पी टू, तो अब इसे हम लिख सकते हैं एन वेक्टर क्रॉस कैसे करके, एन वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करके लिख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा एन वेक्टर क्रॉस करके हमें हमारा क्या होगा नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा प्लेन पी, क्योंकि एन वेक्टर और ए वेक्टर दोनों क्या है ये प्लेन पी वन के पैरेलल है, तो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा इससे वो। तो अब एन वेक्टर की इक्वेशन क्या है, एन वेक्टर है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, इक्वेशन लिखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे आई जे के, तो टू आई कैप माइनस जे कैप और टू के कैप, ये इक्वेशन है। और सिमिलरली ए वेक्टर क्या है, फोर आई कैप थ्री जे कैप माइनस टू के कैप, तो फोर आई कैप थ्री जे कैप माइनस टू के कैप। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इक्वेशन क्या है, आई कैप इंटू माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू इज टू, और टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर, माइनस जे इंटू ये वैल्यू क्या जाएगी, टू इंटू माइनस टू इज माइनस फोर, और माइनस फोर माइनस एट इज माइनस ट्वेल्व। अब क्या होगा, के के लिए क्या आएगा, प्लस के कैप इंटू थ्री इंटू टू इज सिक्स एंड सिक्स प्लस फोर इज टेन, तो आएगा टेन, तो वैल्यू क्या गई, इट इज इक्वल टू माइनस फोर आई कैप और क्या जाएगा प्लस ट्वेल्व जे कैप एंड प्लस टेन के कैप। और ये वेक्टर क्या है,
ये है नॉर्मल, वो प्लेन टू के नॉर्मल वेक्टर, तो इसे बोल सकता हूँ लेट्स से मैं नॉर्मल टू वेक्टर। अब इक्वेशन क्या जाती है हमारे प्लेन की, तो जो हमारा प्लेन पी टू है वो क्या है, वो कैपिटल ए वेक्टर है उससे तो पास करता है और एन टू वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आर टू वेक्टर माइनस कैपिटल ए वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब सिमिलरली ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें देखने पड़ेंगे, तो कैपिटल ए वेक्टर क्या था, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा हो जाएगा माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब डॉट एन वेक्टर क्या है, तो एन वेक्टर है माइनस फोर आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप इज इक्वल टू जीरो। नाउ सिमिलरली अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस टू आई कैप, इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, हो जाएगा एक्स माइनस टू आई कैप, फिर कहेगा प्लस वाई माइनस वन जे कैप प्लस जेड प्लस वन के कैप, तो ये वैल्यूज आ गई। नाउ इसके बाद इसमें क्या बोल सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट करना है इसका किसके साथ में, माइनस फोर आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप इज इक्वल टू जीरो। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स माइनस टू डॉट माइनस फोर प्लस वाई माइनस वन इंटू 12 प्लस जेड प्लस वन इंटू 10 इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब क्या है, सब में से टू 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 कॉमन आ रहा है, तो टू कॉमन लेके कट डाउन कर दूंगा, तो इक्वेशन क्या जाएगी, ये हो जाएगी माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस वन प्लस फाइव इंटू जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन से, तो क्या जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्स प्लस फाइव जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या जाती है, इट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव जेड, और क्या है, फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू एंड माइनस टू प्लस फाइव इज प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को एक्स से माइनस से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन हो जाएगी टू एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस फाइव जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो जो हमारे प्लेन की इक्वेशन आई, प्लेन पी टू की, वाई इक्वल टू दिस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पी टू विच पासिस फ्रॉम अ गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन।